क्या आप लोगों को योगी आदित्यनाथ से डर लगता है? कोई डर नहीं है हम लोग को। अच्छा, कोई डर नहीं, भलाई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे। सामने वैसे कर देंगे हम लोग को बुराई, बाकी वैसे देखते हैं तो भलाई करते हैं। एक इंसानों का दिल में एक वहम है कि योगी से डर लगता है, ये ऐसे करेंगे मुसलमान के साथ ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी तक हर चीज़ों में, हर सरकार में जरूर थोड़ा बहुत परेशानी होता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं मुस्लिमों को कोई परेशानी, कोई खतरा नहीं है। विपक्ष जो है वो बिना वजह का मुद्दा बनाते हैं कि मुस्लिमों को योगी जी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि योगी जी बैठ गए ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो वे लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। चला, जब 22 में चुनाव होगा तो आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? ठीक, छोड़ दीजिए, बोलिए खाली। तीन मुद्दों पर इसलिए करेंगे, पहले हम लोग का बचाव करिए। क्या हो गया आप लोग? बाढ़ एरिया पूरा सता रहा, पानी बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, पहले बाढ़ से बचाइए। हाँ, मतलब आप चाह रहे हैं बाढ़ का खतरा आप लोगों पे है? हाँ, हम लोग खतरा बांधा कटेगा तो हम लोग बढ़ जाए, पूरा बहा देगा। हाँ, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अक्सर कहा जाता है योगी आदित्यनाथ के बारे में कि मुस्लिम लोग उनसे डरते हैं, क्या आप लोगों को योगी आदित्यनाथ से डर लगता है? नहीं, कोई डर नहीं है हम लोग को। अच्छा, कोई डर नहीं, भलाई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे। सामने वैसे कर देंगे हम लोग को बुराई, बाकी वैसे देखते हैं तो भलाई करते हैं, भलाई करते हैं। हाँ, अच्छा, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं सरकार की, आवास हो गया, शौचालय हो गया, 2000 रुपये किसान निधि वाला हो गया, ये सब का लाभ आप लोगों को मिला है? 2000 रुपया मिलता है हम लोग के, घर गिराई नहीं मिलता है, घर चूते है भाई, नहीं मतलब आवास मिलता है? आवास नहीं मिला है? नहीं मिलता है। शौचालय पैसा? शौचालय पैसा बनवा रहा है, जो तो अपने पास से बनवा रहा है, 1200-1200 रुपया दे देंगे, 12000 दे, 12000 में शौचालय बनेगा? नहीं, वो तो मान लीजिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर सरकार देती है। हाँ, जो देगा तुम्हारे वो घर किराए के, तो उसमें 1-1.5 लाख में आपके जमाने में घर बनेंगे? जो दिल्ली में देते हैं 2.5-2.5 लाख रुपए, और यहाँ देते हैं हम 1-1.2 लाख रुपए, तो उसमें उससे घर थोड़ा ही बने, मतलब कम है ये पैसा? हम बहुत पैसे कम है। कितना होना चाहिए? कम से कम नहीं, घर बनाई में कम से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख। हाँ, लेबर खर्चा बहुत ज़्यादा है, सब सामान महंगाई है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आपको? ठीक लगते हैं। अगर योगी और अखिलेश में से किसी एक को चुनना हो, किसे चुनेंगे? अखिलेश है, जोगी में दोनों भला है, जो वोट पड़ेगा जिसको दिल करेगा उसको दे, जो जीतेगा उसको देंगे, जो जीतेगा उसको। हाँ, ये बड़ी दमदार लाइन होती है। दमदार लाइन, सही बात है। हाँ, चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं उनकी। ये एक बात आप ये बताइए, जब 22 में विधानसभा चुनाव होंगे आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? यही बाढ़ को लेकर सताए हुए हैं हम लोग। अच्छा, और इन लोगों से आप, अगर जो हम लोग बचेंगे तो बाद 2022 में अपना चुनाव देखा जाएगा, जो जीतेगा जो निकलेगा उसी को दिया जाएगा। कहते हैं कि भाई योगी से मुस्लिम लोग डरते हैं, आप लोगों को डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता है, सिवाय रब का किसी से डर नहीं लगता है। रब का डर है इंसान का, विपक्ष तो विपक्ष माहौल बनाता है कि भाई योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के लिए खतरा है, ये सब वहम है। एक इंसानों का दिल में एक वहम है कि योगी से डर लगता है, ये ऐसे करेंगे मुसलमान के साथ ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। केवल लोग डर इस बात के रखते हैं कि हमारा नहीं सुनवाई होगा, कैसे नहीं सुनवाई होगा, जब हम उस तक पहुंचेंगे तब न सुनवाई होगा, जब यहीं कहीं दबे रहेंगे तब कैसे सुनवाई होगा हमारी। मतलब आप लोग जाते हैं मिलने तो आपकी सुनवाई होती है? तो हाँ, अगर जो हम पहुंच जाएं कोई बात धर दें तो क्या उनसे वो लोग नहीं सुनेंगे? सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई जरूर करेंगे। मतलब डर नहीं है किसी तरह? नहीं, डर तो केवल रब से डर लगता है, इंसान से डर नहीं लगता है, इंसान से नहीं लगता। चलिए, आप अपना नाम बताइएगा, जब 22 में चुनाव होगा तो आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मुद्दा क्या है? रोजगार, थोड़ा सा रोजगार मिले सबको। और मुद्दा क्या है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गोरखपुर के लिए काफ़ी बेहतर काम किए हैं, मुस्लिमों के लिए बहुत सी योजनाएं ला रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक हर चीज़ों में, हर सरकार में जरूर थोड़ा बहुत परेशानी होता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं मुस्लिमों को कोई परेशानी, कोई खतरा नहीं है। विपक्ष जो है वो बिना वजह का मुद्दा बनाते हैं
कि मुस्लिमों को योगी जी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गोरखपुर का विकास हो रहा है, गोरखपुर क्या उत्तर प्रदेश का ही पूरा विकास हो रहा है। आप देखेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश का आपको जगह जगह रोड अच्छा मिल रहा है, आप कहीं का रोड बताइए। जो बाढ़ एरिया वाली बात है तो हर साल बाढ़ आते और जाते रहते हैं। योगी जी जो है जब से मुख्यमंत्री बने हैं हर साल जो बाढ़ आते हैं बाढ़ एरिया में उनको राहत कोष दिया जाता है। जो भी है उनके क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। बाकी हमको तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम चल रहा है, काम चल रहा है। मतलब योगी से जो एक माहौल बनाया जाता है डर वाला, ये ऐसी कोई बात है? ये तो विपक्षी पार्टियां अपना माहौल बनाती हैं। जब से योगी जी बने हैं बहुत अच्छा है, ना तो दंगा कहीं हो रहा है, ना तो कोई ऐसा घटना हो रहा है। हल्का फुल्का इतनी आबादी है, 8 करोड़ 10 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है, तो छोटा मोटा घटना लड़ाई झगड़ा तो होता जाता रहता है, ये कोई बात नहीं। इसको विपक्ष बिना वजह का मुद्दा बना रहे हैं। एक समय ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि अगर योगी आ गए तो मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा होगा, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ये नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी कोई बात है? नहीं, जब से योगी जी आए हैं जिस तरह हम नमाज पढ़ते थे उससे और बेहतर पढ़ रहे हैं, हमारा कारोबार उससे और बेहतर चल रहा है जब से योगी जी आए हैं। हाँ, और हमें कोई परेशानी नहीं, मुस्लिमों के लिए योगी जी अच्छा हैं। और 2022 के चुनाव में हम सारे मुस्लिम समुदाय से अपील करेंगे कि योगी जी जितना ज़्यादा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मतलब योगी जी के आप सब काम से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट, पूरा पूरा संतुष्ट हम लोग हैं। और भी लोगों से उनसे पूछते हैं, आप योगी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? हम भी बहुत संतुष्ट हैं, यही है थोड़ा कारोबार में हम लोगों को दिक्कत होती है। क्या कारोबार, क्या दिक्कत? यही हम लोगों का ये इसका मवेशियों का कारोबार है, हम लोग भैंस वैंस खरीदते बेचते हैं, लाते जाते। अच्छा। इसी में थोड़ा सा परेशानी होता है, मगर ये है कि वो उतना नहीं है जितना पहले था, अभी तो बहुत कम हो गया है। हम लाने जाने में कोई परेशानी नहीं है इसी। अच्छा, एक बात बताइए, माहौल तो वही बनाया जाता है, अखिलेश भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि भाई योगी रहेंगे तो मुस्लिम डर के रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग गोरखपुर ज़िले में रह रहे हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें जो भी सरकार से और प्रशासन से हमें जो भी आर्डर मिला है उसी से तरीके से हम चलेंगे, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगा, कोई प्रकार का डर नहीं, कोई डर नहीं है। यही है, आदमी तो फैलाते हैं अपनी जेब भरने के लिए, भाई इलेक्शन में लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए, ये तो हमेशा की है। हम ही दो भाई लड़ जाएं तो हमेशा यही होगा कि वो बुरा है, तो हमें से तो एक तो बुरा है ही है, तो आखिरत में आदमी जो बुरा रहता है वो आदमी कह देता है कि भाई ये तो बुरा ही है, वो बटन दाबने में जाके वो भले आदमी को ही बटन दाबता है। मतलब कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। हम लोग भी, हमारे प्रधान जी हैं जो भी रहता है उनके सहयोगी भी हैं, वहाँ जाते हैं लाते हैं देते हैं, हमारे उपेंद्र प्रधान जी इस समय हम लोगों के व्यवस्था भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी काम है योगी जी तक पहुंच जाता है, हम लोगों का हो भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो रहा है, डर और नहीं है, कोई डर नहीं है। और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप ये बताइए, आप आ जाइए इधर आ जाइए थोड़ा सा, योगी जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? सही है, बिल्कुल सही, ठीक काम चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है सर। अखिलेश काम कैसा था उनका? अखिलेश भी ठीक ही थे, मगर अपने जिले के मुख्यमंत्री, हम अपने मुख्यमंत्री की बात करेंगे कि अखिलेश की बात करेंगे? योगी जी के राज में डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर माने कुछ मतलब ही नहीं है, डर कुछ भी नहीं सर, माहौल तो बनाया जाता है, माहौल बनाने दो, हम सही रहेंगे तो माहौल क्या करेगा। सही बात है। मतलब जो भी बातें हैं वो अफवाह हैं? सब अफवाह है जी, कुछ भी नहीं, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, सुकून में है, एकदम सुकून में, बहुत सुकून है पहले से बहुत। सरकारी योजनाओं का लाभ क्या क्या मिला बस आपको? यही थोड़ा सा समस्या है। क्या क्या नहीं मिला और क्या मिला? मिलना तो बहुत कुछ देते हैं, मिले तब ना, अभी मिला नहीं, अभी कुछ नहीं सर, अभी थोड़ा सा यही चावल मिलता है 5 किलो, ये है तो प्रधानमंत्री और उससे है, महीना हो गया, वो भी है, सब चल रहा है सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, आपको योगी जी का काम कैसा लगता है? ठीक है साहब, हम लोगों को अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जब हमको तकलीफ मिलता तो हम आपसे कहते जरूर। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई योगी जी रहेंगे मुस्लिम डरेगा, डर लगता है? अरे कौन सा डर है साहब, जब हम चोरी नहीं करेंगे, चमारी नहीं करेंगे तो हमको योगी जी हमको क्यों परेशान करेंगे, हम अपने काम से काम करते हैं, बस सीधे साधे से रहते हैं। क्या क्या लाभ मिलता है योजनाओं का? लाभ तो यही है हम लोगों को कि यहाँ से चावल वावल
4-5 किलो मिल जाता फी आदमी को, चावल राशन मिलता है फ्री का, और लाभ यही है, और कौन सा लाभ हम लोगों को दूसरा तो नहीं मिला। ही प्रधान जी हैं, वही चावल वावल दिलवाते हैं, अन्न योजना वाला लाभ मिल रहा है। हाँ, मतलब अन्य योजना वाला लाभ मिल रहा चीजें है। आवास, अभी आवास वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को आवास नहीं मिला, जिसको मिला होगा वो मिला होगा, हम लोगों को नहीं मिला। और भी लोगों से उनकी बातचीत करते हैं, आप लोग भी आइए अपनी जी, उधर ही आते हैं हम। क्या लगता है आपको योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का काम देखने में अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। जिसका सरकार जिसका जैसा आता है, बारी बारी, कभी इनका कभी उनका कभी इनका, हर कोई विपक्षी यही कहता है ये ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, लेकिन जो अपने समय पे होता है वो सब सही होता है। डर नहीं लगता योगी जी के? नहीं, किस बात का डर? विपक्षी तो कहते हैं कि भाई मुस्लिम डरता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ क्या है, दिल में एक अफवाह बहम होता है। अच्छा। कि योगी जी बैठ गए ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी कोई दिक्कत आई? हम लोग को कोई दिक्कत ऐसा नहीं आया हमारे गांव को। या कभी कोई आके कहा कि नहीं भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकते या कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कोई ऐसा नहीं आदमी आके कहा कि यहाँ के मन नमाज मत पढ़ो, ये काम मत करो, हम लोग को कोई ऐसा शिकायत नहीं आया। चीजें अच्छी हैं? चीजें अच्छी, जो भी कारोबार हम लोग का छोटा मोटा कारोबार है, कच्चा बिजनेस है, कोई करते हैं, बाजार लाते हैं, बाजार से बेचते हैं, चलता, हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में चुनाव होगा तो किसमें संभावना देख रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? ऐसा देखिए, संभावना चाहे बीजेपी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो, हमारा यूपी, हमारा हिंदुस्तान जैसा भी चल, जो भी देश अच्छा चलाएगा उसके लिए समर्थन हमें। जो अच्छा चलाएगा अभी ये कोई कह नहीं सकता। आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा है आपकी नज़र? हमारे लिए सब है अच्छा है, जो वक्त पे आ जाएगा सही काम करेगा। विपक्ष जो ये जो जितने रोजगार कारोबार है, छोटे ज़्यादातर छोटे छोटे आदमी, गरीब आदमी परेशान, बड़े आदमियों के क्या है, इतने इतने पैसे हैं, अपना बिजनेस धंधा कर रहे हैं, कमा रहे, लेटे, जो गरीब आदमी दो वक्त की रोटी खाता, शाम को इंतजाम करता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। उनके लिए चीज़ें और होनी चाहिए, विकास बढ़ना चाहिए आगे, विकास और। मोदी जी बोले थे सब हमारा साथ सबका भी साथ विकास बोले थे ना, तो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, योगी जी मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हम लोग को उतना फुर्सत नहीं कि मोदी जी के पास जाके बैठे, हमारा मोदी जी घर बनवा दीजिए, योगी जी हमारा क्या बोलता है कोठी बनवा दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कोई कारोबार जैसा है, हम लोग अपने दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ना, योगी से दिक्कत है ना, अखिलेश से दिक्कत, ना मायावती से दिक्कत, जो हमारा हिंदुस्तान सही चलाएगा उसके लिए हम समर्थन है। हिंदुस्तान सही चला, हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान रहेगा तो सारी चीज़ें रहना चाहिए। और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, आप तो युवा हैं। अच्छा, चलिए और भी लोगों से। बाबा आपको क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ भाई, जो सब ठीक ही काम कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम लोग की पसंद है, कोई बात नहीं है। अच्छा। यही है हम लोग का मनो, ये है कि जो गरीब तय हो गरीब तय में हम लोग चला रहे हैं, और कुछ नहीं। हाँ, आइए, राशन फासन आपको मिलता है, योगी ने 5 किलो मिलता है। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि योगी रहेंगे तो भाई डर लगेगा? नहीं नहीं, वो सब गलत है, हम लोग को नहीं, योगी जी से कर रहे हैं कि गलत है। कभी मिले हैं योगी जी से? योगी जी से मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं कभी हुआ है, कहाँ हम लोग गए वहाँ पर। अच्छा, आते नहीं है कभी, आए हो या जब सांसद थे तभी मुलाकात हो गई हो? ना ना ना, हम लोग मुलाकात नहीं, आते हैं चले जाते हैं, चौराहे तर मन भाषण सर देते हैं तो हमें क्यों जाता है, हम लोग लंबे से देख लेते हैं, आप योगी जी की भाषण सुन लेते हैं, हम लोग और कोई बात की नहीं है। 22 में किसको देख रहे हैं, कौन सरकार बनाएगा 22 में? अब इसका बात है, हम नहीं कह पाएंगे भैया। कौन अच्छा लगता है? अब तो आप सबको हम अच्छा ही समझेंगे, ये बुरा हम नहीं कहे, हम आपको बुरा बना दे उनको कह देना ही है अच्छा है। सब ठीक है ठाक है सर। हाँ, ये नहीं है कि हम आपको ये कर दें कि बुरा कर दें, उनको कह देना ही हमारा हाई है। अब देखिए क्या इसमें होगा, अल्लाह हाफिज है, अल्लाह जाने और क्या है, और दिल से जो करते हैं तो दिल कुल बात किया है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि योगी जी कहते हो भाई आप डरो या ऐसी चीजें जो ना, योगी जी से कोई डर नहीं है, योगी जी से कोई नहीं कहेगा कि डर है, योगी जी कर रहे हैं तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग विश्वास कर रहे हैं, जो काम बार कर रहे हैं लड़के वो भी चल रहा है। हाँ, हम लोग गलत नहीं है कि आप योगी जी को हम खराब बना रहे हैं, नहीं नहीं कभी नहीं, योगी जी खराब नहीं है, योगी जी हम लोग को काम कर रहे हैं। हाँ, बस चलिए, तो आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी।
तो बाकी मुझे लगता है बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम था कि योगी राज में शायद मुस्लिम समाज डरा हुआ है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ के आम लोग थे, लोगों की आपने प्रतिक्रिया सुनी। और अगर अन्य क्षेत्रों के भी मुस्लिम भाई अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो बताएं कि क्या उन्हें योगी आदित्यनाथ से डर लगता है या नहीं लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।